चौटाला ने कहा, सत्ता में बैठे लोगों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं। इनेलो सुप्रीमो व पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने वाली है, लेकिन गद्दार धोखेबाज व लुटेरों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा। चौटाला ने कहा कि मेरी बात का सीएम को बुरा लगता है, लेकिन काम करेंगे तो मेरी भाषा अपने आप बदल जाएगी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो चुनावी वायदे किए थे, सत्ता में आने के बाद उस घोषणा पत्र को खोल कर देखा तक नहीं। साथ ही आरोप लगाया कि आज के सत्ताधारियों के देश या प्रदेश के किसी वर्ग से कोई लगाव नहीं है। चौटाला ने कहा कि अब चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं के कहने पर विधानसभा की टिकटें देंगे और उनकी आर्थिक मदद के लिए मैं खुद झोली फैलाकर आर्थिक मदद करने का काम करूंगा। चौटाला ने एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं तो सीएम बुरा मानते हैं, लेकिन यह सच है कि हरियाणा में बेकार व नकारा पशुओं को खट्टर कहते हैं। चौटाला ने कहा कि मुझे खुशी होगी कि सीएम खट्टर ना रहकर लोगों के काम करें और जनता की सेवा करें। वह ऐसा करेंगे तो मेरी भाषा अपने आप बदल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।